हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में फ्रेंड्स मैं हूं प्रमोद फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी वर्ड और हिंदी वर्णमाला में देखिए किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है वहाँ हिंदी वर्णमाला में आपको तीन से चार प्रश्न जो है डेफ़िनेटली देखने को मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें फ्रेंड्स पहले इसके बेसिक थ्योरी को हम कवर करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमने टॉप टेन प्रश्न लिए हैं ठीक है और इसके दो पार्ट्स आएंगे आज पहला पार्ट है तो वीडियो के एंड तक बने रहें तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला में कि क्या 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 स्वर क्या होते हैं अनुस्वार क्या होते हैं देन व्यंजन क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं उसमें क्या होते हैं संयुक्त स्वर क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और यहाँ पर हम लास्ट में टॉप टेन एम सी क्यू फार्मे में हमने क्वेश्चन रखा जो कि यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो देखिए हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला में जिस प्रकार से आप इंग्लिश में पढ़ते हैं अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल लेटर की बात करें तो वहाँ पर कितने लेटर होते हैं ट्वेंटी सिक्स लेटर होते हैं कितने होते हैं ट्वेंटी सिक्स लेटर उसी प्रकार यहाँ पे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर होते हैं तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो देखिए बात करें हिंदी वर्णमाला की तो हिंदी वर्णमाला में टोटल जो होते हैं बावन लेटर होते हैं कितने होते हैं बावन जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो देखिये सौरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में ग्यारह है कौन कौन सी यहाँ पे छोटा हो गया बड़ा छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ाउ री ए ऐ ओ औ ठीक है आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर ग्यारह हो जाएंगी तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है यानी स्वरों की संख्या यहाँ पर ग्यारह हो गई बात करें पहले देखिए अनुस्वार को भी ऐड किया जाता था तो वहाँ पर कहीं कहीं किताबों में तेरह भी मिलेगा ठीक है लेकिन अब जो है अनुस्वार को हटा दिया गया है तो वर्तमान में यानी अगर एग्जाम में कहीं अगर तेरह भी मिलता है ऑप्शन में और ग्यारह भी मिलता है तो ग्यारह को ही टिक करिएगा क्योंकि ग्यारह ही सही माना जाएगा तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई स्वरों की संख्या जो है ग्यारह है बात करें अगर व्यंजनों की संख्या यानी यहाँ से काश लेकर यहाँ पर ग्यारह तक ठीक है तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर इकतालीस हो जाता है तो यहाँ पर इकतालीस और ग्यारह दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बावन लेटर हो जाएंगे तो इसी प्रकार जो है हिंदी वर्णमाला में टोटल लेटर्स की संख्या कितनी हो जाती है बावन हो जाती है अब इसमें पूछता है जो का वर्ग यहाँ पर देखिए होता है कि जो वर्ग होते हैं जैसे यहाँ पर का वर्ग में कौन का कौन सा आता है यहाँ पर क से लेकर अंग्या तक यहाँ पर का वर्ग में आता है इसी प्रकार अब चा वर्ग में जाएंगे तो चा से लेकर यहाँ पर इं तक जो आता है यानी चाह छा झा इ तो यहाँ पर चा वर्ग में आ जाता है उसी प्रकार यहाँ से पा वर्ग में जब जाएंगे तो पा फ भ म ठीक है यानी पा वर्ग में आ जाता है बात करें यहाँ अंतअ अस्त व्यंजन की तो अंतअ अस्त व्यंजनों की संख्या देखिए पूछता डायरेक्टली कई बार एग्जाम से पूछा कि अंतअ अस्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो यह जो है चार होती है कौन कौन से या र ला व राइट सेकंड पूछता है यहाँ पर उस व्यंजनों की संख्या कौन सी होती है ठीक है कितनी होती है तो यह भी चार होती है कौन कौन से यहाँ पे बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा और हा हो जाता है राइट नेक्स्ट पूछता है संयुक्त व्यंजन तो संयुक्त व्यंजन देखिए इसमें आता है जो आपका छाई ज्ञान श्रा जो होता है ठीक है तो ये पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कौन संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं तो यहाँ पे छा होता है त्र होता है ज्ञा होता है और श्रा होता है राइट तो कभी कभी पूछ लेता है कि छा का क्रम जो है किसके पहले आता है किसके बाद आता है तो का के बाद आता है तो देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं तो छा कैसे बनता है का प्लस खष्टी सा से बनता है वहीं जो बनता है किससे बनता है ता प्लस रा से बनता है गया किससे बनता है जा प्लस इया से बनता है नेक्स्ट एंड लास्ट है, है यहां पे श्रा जो बनता है किससे बनता है या जो है बड़ा सा और रा से बनता है यहां पे हलंत मत भूलिएगा ठीक है अब फ्रेंड्स यह था हिंदी वर्णमाला में जो बेसिक चीजें थी बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां पे टॉप टेन उसको हम यहां पर कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एमसीक्यू सी क्यू जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम कवर करेंगे तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है ठीक है तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो आपको फाइनली बता दें तो देखिए जब दो, दो स्वर जो है आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर संधि स्वर होता है जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर संधि स्वर होता है और संधि स्वर के ही दो भेद होते हैं कौन कौन से दीर्घ स्वर और उसके बाद संयुक्त स्वर तो यहाँ पर आ जाता है आपका जैसे स्वरों की संख्या ग्यारह हो जा हो होती है ठीक है यानी यहाँ पर छोटा बड़ा यहाँ से लेकर जब वहाँ तक ओ तक ओ तक जाते हैं तो यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है ग्यारह तो वहीं पूछ रहा है कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर आ देखिए जो बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ तो ये आपके मूल दीर्घ स्वर हो गए कौन से हो गए मूल दीर्घ स्वर हो गए तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या तीन होती है कौन कौन से बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ अब यहाँ पर देख लीजिए पहले वाले ऑप्शन में बड़ा आ दिया है तो ये तो होती है नेक्स्ट दिया यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बड़ी ई दिया है ये भी होती है ठीक है बड़ा ऊ भी होता है लेकिन ओ जो होता है ये आपका संयुक्त स्वर में आता है किस में आता है संयुक्त स्वर में इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं कौन कौन सी होती हैं पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन ठीक है तो कई बार इस प्रकार जो पूछता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं तो वर्णों के दो भेद होते हैं या पूछे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं दो प्रकार की स्वर और व्यंजन अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं तो देखिए मात्रा के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो यह जो है तीन प्रकार के होते हैं तो है इसका राइटर देखिए यहाँ पे गलत दिया ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैसे होता है देखिए देखिए उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं ठीक है उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं और मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं हर्ष स्वर होता है दीर्घ स्वर होता है और उसके बाद प्लुत स्वर होता है देखिए यहाँ पे दो तब होता देखिए जब दो तब आंसर यहाँ पर सही होता जब पूछता जो है हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार जाने, पूछे जाने देखिए अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं तब दो अगर पूछे यहाँ पर कि समग्र मात्रा के आधार पर अगर पूछता है ठीक है अगर पूछे समग्र मात्रा के आधार पर स्वरों कितने भेद होते हैं तब तीन ठीक है यहां पूछ रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो यहां पर तीन को ही आप टिक करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन है कि जीवा के आधार पर जो है जीवा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं तो जीवा के आधार पर स्वरों के जो होते हैं तीन प्रकार होते हैं अग्र स्वर मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं तो देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं अच्छर कहते हैं तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी ई बड़ी ई छ झ आदि का उच्चारण मतलब किससे होता है तो यह होता है तालाब इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन है तो जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे हम स्वर कहते हैं राइट right? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन है निम्न में से दीर्घ स्वर है तो यहाँ से दीर्घ स्वर आपको पहचानना है कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तीन होती है अब कौन कौन सी होती हैं तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ तो यहाँ पे बड़ी ई दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्ट व्यंजन कौन सा है देखिए अष्ट व्यंजनों की संख्या चार होती है कौन कौन से होते हैं या रा, ला, वा, ठीक है तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि यहां पर वाद दिया हुआ है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का पूछ रहा है यहां पर अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं देखिए अल्प्राण जो होता है एक सौ पैंतीस होता है किसी भी वर्ग का जो होता है का वर्ग का या तो चा वर्ग का या तो पा वर्ग का ठीक है किसी वर्ग वर्ग का हो तो उसका जो एक तीन पाँच यानी एक सौ पैंतीस वाला जो लेटर होता है वही जो है आपका अल्प प्राण होता है जैसे का वर्ग में आपका आ गया का ख ग ठीक है यहाँ पे आ गया तो पहला लेटर तो यहाँ पे हो गया का तीसरा हो गया यहाँ पे गा और पांचवा हो गया यहाँ पर अन्य ठीक है और दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण होता है तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा अल्प्राण व्यंजन कौन से हैं तो यहां पर दिया है तो क ख ग यहां पे ग वाला जो दिया है आपका अल्प्राण हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो फ्रेंड्स यह था टॉप टेन एम फॉर्मेट जो कि यूपी ट्रिपल प्लस में पूछा गया है बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिटेल्स इसको कवर करेंगे तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसे ली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद